किलर को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा। सरकार से सवाल के लिए 24 घंटे बिजली देने की घोषणा सरकार ने किस आधार पर की थी? सरकार बिजली सरप्लस होने की बात कहती है, लेकिन अब सारी हकीकत सामने आ गई है। बिजली किल्लत को लेकर आपके कार्यकर्ताओं ने एसडीएम अंकिता चौधरी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप कर इसमें सुधार की मांग की है। हरियाणा प्रभारी दीपक जैन ने कहा कि देश प्रदेश में केंद्र की भाजपा सरकार ने वादा किया कि अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। अगर हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में बिजली के हालात चिंताजनक है। इन दिनों में 24 घंटे से 12 से 15 घंटे बिजली काटी जा रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज आम आदमी पार्टी यूथ विंग का प्रभारी होने के नाते हमारे माननीय सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के निर्देश पर और हरियाणा की जनता की जो समस्या है, हरियाणा की जनता जो बिजली से इस समय जूझ रही है, बिजली बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं भी एक हरियाणा के सिसाए गांव से आता हूं, एक या दो घंटे पूरे दिन बिजली आती है, सबसे बड़ा गांव हरियाणा का, और गाँव में तो बिजली कटने लगते हैं। अभी राजपुरा गाँव से मेरे पास फोन आया, वो करे सुबह 6 बजे बिजली आती है और 8 बजे चली जाती है। इस तरह का खट्टर सरकार ने ये कर दिया और रंजीत चौटाला जी को सपने में भी केजरीवाल जी दिखते हैं। हम हरियाणा सरकार से आग्रह करते हैं, दिल्ली के अंदर जो 24 घंटे बिजली देते हैं और बिजली फ्री देते हैं, और पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री होने जा रही है, और पंजाब में भी बिजली का क्राइसिस था उसको ठीक करने लग रहे हैं। हरियाणा सरकार की कोई भी चिंता हरियाणा की जनता के प्रति नहीं है। युवा हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। तालू गांव के अंदर एक पवन ने लिख के दिया कि बाबू इस जन्म में तो मैं भर्ती नहीं हो पाऊंगा शायद इस सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार के ऐसे तंत्र की वजह से। इस तरह हम हरियाणा सरकार से आज आग्रह करते हैं, युवाओं को रोजगार भी दो और बिजली हरियाणा की जनता जो आज मूलभूत जरूरत है, पानी भी जरूरत है, रोटी भी जरूरत है, इसी तरह बिजली भी एक मूलभूत जरूरत है। बिजली के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। हम हरियाणा की जनता से आज राष्ट्रपति के नाम हरियाणा की जनता की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं। हम ज्ञापन के लिए अभी डीसी साहब का वेट कर रहे हैं, प्रशासन ने हमें रोक लिया, क्योंकि खट्टर जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस के द्वारा एक लोकतंत्र में ज्ञापन देना हमारा अधिकार है, लेकिन हमें यहाँ पर रोक लिया गया है। अभी युवा साथियों की कुछ संख्या देख के रोक लिया होगा, अभी एक घंटे में यहाँ पर कम से कम 400-500 युवा और आ रहे हैं। अगर ऐसा व्यवहार अगर खट्टर सरकार हमारे साथ करेगी तो हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए और खट्टर सरकार से आग्रह करते हैं, या तो आप बिजली दे दो हरियाणा की जनता को, नहीं तो आम आदमी पार्टी के अभी तो यूथ विंग जगी है, फिर महिला विंग जगेगी, फिर हमारी CYSS जगेगी। हम सारे मिलकर सड़क से लेकर संसद तक खट्टर सरकार को जीने नहीं देंगे, नाक में दम कर देंगे। या तो आप हमें बिजली दे दो, और बिजली दे दो नहीं, फ्री भी दो बिजली। हरियाणा का बजट 2,75,000 करोड़ रुपये घाटे में आ गया। हरियाणा में ना तो स्कूल बने, ना अच्छे रोड बने, ना हॉस्पिटल बने, ना इन पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ी, इनको कोई 1 करोड़ रुपये का अगर कोई आज शहीद हो जाता है इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पंजाब सरकार 1 करोड़ रुपया समान राशि देती है शहीद के परिवार को, दिल्ली सरकार देती है, फिर भी हरियाणा का बजट 2,75,000 करोड़ रुपये में चला गया। अनिल विज जी को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। खट्टर साहब का शर्म आनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला जो आज हरियाणा के सारे डिपार्टमेंट में उसके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए। केजरीवाल जी को दे दो, हम बजट भी सुधार देंगे। पंजाब में 16,000 करोड़ रुपये की रेवेन्यू हमने बढ़ा दी 1 महीने के अंदर। इस तरह हम ईमानदारी से काम करते हैं, जनता की सेवा करना जानते हैं। कोई क्वेश्चन? सरकार का कहना है कि कोयले की समस्या को लेकर नहीं वहां तक पहुंचा पा रहे हैं, इसीलिए समस्या आ रही है। ये सिर्फ अडानी के घर बनने के लिए सरकार ने एक षड्यंत्र रचा है, अडानी और अंबानी के, ताकि बिजली का क्राइसिस दिखाया जाए, कोयले का क्राइसिस दिखाया जाए, और अडानी अंबानी के हाथ में ये सिस्टम दिया जाए, और फिर बजट हरियाणा का बजट जो 2,75,000 करोड़ रुपये काटे में सारी सरकारों का, बीजेपी की कोई भी सरकार उठा लो आप, उनका सबका बजट। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।